ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग्स। इस चैप्टर के ऊपर प्रॉपर आपको दो वीडियो दिए जा चुके हैं, आपने दो वीडियो देखा है, जिसमें फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हमारे बॉडी का क्या ऑर्गेनाइजेशन है। 11 सिस्टम से मिलकर हमारे बॉडी बने हुए हैं, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम का डिस्कस मैंने किया। फिर वो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे बिल्डिंग के इक्वल सिमिलर होते हैं, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने सेकंड, इस चैप्टर के सेकंड सेशन वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हैबिटेट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल क्या होगा, एक्वाटिक क्या होगा, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। फटाफट हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कभी भी उसमें लाइफ था, वो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या कहलाते हैं, बायोटिक थिंग्स कहलाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ओके, लेकिन जिसमें कभी भी लाइफ नहीं था उसको क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग एबायोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एबायोटिक थिंग्स कहते हैं। और हम लोगों की जो बायोटिक कंपोनेंट्स की जो लाइफ है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के लाइफ पे डिपेंडेंट करता है ना। अब हम लोग समझेंगे यहां पे क्या, तो एडेप्टेशन को समझेंगे। एडेप्टेशन को समझना है मेन, आप समझिए कि हम लोग जहां भी देखेंगे कुछ न कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, कुछ न कुछ ऑर्गेनिज्म लीव करते हैं। अभी तो वैसे भी ये ऑनलाइन क्लासेस मिलने का एक और भी कॉज है, ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन। और ऐसे में क्या है कि हर जगह शंका है कि ये कोरोना वायरस हो सकते हैं, ये शंका हर जगह बनी। ओके, ये तो सबको पता है। सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम जहां भी रहते हैं यहाँ पे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है, भले ही वो वोल्केनिक प्लेस क्यों नहीं हो और कोल्ड से कोल्ड रीजन क्यों नहीं हो, हॉट से हॉट रीजन क्यों नहीं हो, वहां पे ऑर्गेनिज्म मौजूद है। आप देखो वाटर में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मौजूद है। हम लोग अगर वाटर में रहने जाए, अगर कभी कभी होता है क्या है कि 1-1.5 घंटे तक नहा रहे हैं खूब मस्ती में, है ना, हालांकि बुरी बात है, पानी को बर्बाद कर रहे हैं, नहाना चाहिए बट एक लिमिटेशन होता है। अब वैसे स्थिति में 1-1.5 घंटे जब आप पानी को नहा रहे हैं तो आप देखोगे क्या कि ये जो हाथ का कुछ हिस्सा है ना, ये सिकुड़ जाएगा, रिंकल हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? जो ऑर्गेनिज्म पानी में ही कंटिन्यू रह रहे हैं उसके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, उसके बॉडी में ऐसे ये सिकुड़न क्यों नहीं होती है, रिंकलिंग क्यों नहीं होती है? आप एक और ऑर्गेनिज्म को देखे होंगे जिसको लीच कहते हैं, जोंक कहते हैं, जब आप उसको पकड़ोगे तो वो फिसल के भाग जाएगा, लेकिन जब वो आपके बॉडी पे आया तो एकदम से चिपक जाएगा। ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हम जब पकड़ रहे हैं तो वो फिसल जा रहा है और जब वो हमारे बॉडी पे आ रहा है तो एकदम से चिपक जा रहा है ना। हम लोग जब पानी में जाते हैं तो क्या हो रहा है कि हम लोग पानी में अगर गए और जल्दी से तैर वैर के निकल गए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर लंबे समय तक पानी में ही डुबकी लगाए रखें तो पता चलेगा डुबकी लगाए रह गए, मर जाएंगे उसके अंदर, अगर तैरने नहीं आ रहा है तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर ही रह रहा है, कंटिन्यू रह रहा है, उसकी लाइफ ही वहीं पे खत्म हो रही है। तो ऐसे कौन से चीजें हैं जिसकी लाइफ वाटर में ही फिनिश्ड हो जा रहा है? और सबसे अंडरस्टैंडेबल जो थिंग्स हैं वो फ्रॉग को देखो, वो जमीन पे भी आके रह ले रहा है, वो आपके घर में भी घुस के रह ले रहा है। आप कभी कभी देखोगे ये गेट का जो एरिया है इस पे भी छोटे छोटे फ्रॉग चढ़ जाते हैं, है ना। उसके बाद ये पेड़ पे भी सर्वाइव कर जा रहा है, और ये फिर कुएं में भी देखिएगा छोटे छोटे फ्रॉग रहेंगे। बरसात के दिनों में येलो वाला फ्रॉग निकल के आ जा रहा है, पता ना कहां से आ जा रहा है। अब बरसात के दिनों में, बरसात जैसे ही होना शुरू हुआ, बारिश हुई रात को बहुत ज्यादा, सुबह में आप देखोगे बहुत सारे मेंढक टर्टर करना शुरू कर दिया येलो येलो टाइप का। वो कहां था बरसात से पहले? वो जमीन के भीतर था। कैसे वो जमीन के भीतर कैसे वो सर्वाइव कर गया? अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे रह रहे हैं, जमीन के भीतर भी वो सर्वाइव कर जा रहा है। हम लोग क्यों नहीं जमीन के भीतर सर्वाइव कर रहे हैं? अगर हम लोगों को जमीन के अंदर दबा दिया जाए तो कहानी गुम हो जाएगी, है ना, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो इतने सारे ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट डिफरेंट, गौर से समझिएगा इस टर्म को, कि इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, क्या है
वो रहने का क्या उसमें तरीका है, कौन से ऐसे प्रोसीजर है जिसमें वो रह पा रहा है और उस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे। तो ये एक ऐसा ही प्रोसेस है, एक ऐसा टेंडेंसी है जिस टेंडेंसी के कारण ऑर्गेनिज्म वो किसी भी एनवायरमेंट में जो सर्वाइव कर जा रहा है इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं एडेप्टेशन। क्या कहते हैं? एडेप्टेशन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? एडेप्टेशन इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ठीक है टू चेंज एंड सर्वाइव एनी एक्सट्रीम कंडीशन ओके कंडीशन। बस यही एडेप्टेशन इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज एंड सर्वाइव एनी एक्सट्रीम कंडीशन है ना। या हम इसको यह भी लिख सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज एंड सर्वाइव ऑफ एनी एक्सट्रीम कंडीशन इज कॉल्ड एडेप्टेशन। एक ऐसा चेंजिंग ऐसा सर्वाइव करने की जो क्षमता है वो सर्वाइव करने की क्षमता एडेप्टेशन कहलाता है ना। अब जरा देखो गौर से कि क्या एडेप्टेबल कुछ फीचर्स कुछ ऑर्गेनिज्म में समझ पा रहे हैं। अगर फिश की देखा जाए तो सबसे पहले इसमें अगर एडेप्टेशन की टेंडेंसी देखा जाए तो सबसे पहले फिश की बॉडी कैसी होती है, तो बॉडी होती है स्ट्रीम लाइन। कैसा होगा? स्ट्रीम लाइन बॉडी होगा, पहला फीचर्स उसमें अवेलेबल। उसके बाद दूसरा जो फीचर्स होगा वो होता है फिन्स इज अवेलेबल। क्यों अवेलेबल? क्यों? तो टू स्विमिंग, ओके टू स्विम, तैरने के लिए उसके पास ये फिन्स मौजूद है। तीसरा देखा जाए तो उसके पास क्या होता है? गिल्स ओके गिल्स इज प्रेजेंट। क्यों गिल्स प्रेजेंट होते हैं? तो टू रेस्पिरेशन ओके ये पॉइंट आपने देखा, रेस्पिरेशन के लिए उसके पास गिल्स अवेलेबल है। बॉडी पे बहुत सारे उसको स्केल्स है, क्या लिखेंगे? लॉट्स ऑफ scales is present on body क्यों? प्रोटेक्शन के लिए है ना। कहीं भी अगर जा रहा है कोई और निजम उस पर अटैक कर दिया तो वो क्या करेगा? स्केल्स को ऐसे करेगा, वो स्केल्स पकड़ लेगा, ये भाग जाएगा। तो प्रोटेक्शन के लिए ये सब प्रोटेक्टिव होगा, तभी तो वहां पे सर्वाइव कर पाएगा। नहीं तो कुछ ऐसे एडेप्टेबल फीचर्स और चेंज, एक जगह लिखा हुआ है चेंज, स्पेलिंग मिस्टेक है, चेंज को अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे जो चेंज नहीं कर पाएगा एनवायरमेंट में वो समझ लीजिए कुछ दिनों के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगा, डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अपने एनवायरमेंट से। डायनासोर इतने बड़े ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी वो सर्वाइव नहीं कर पाया, वो खत्म हो गया है ना। तो इस तरीके से सारे ऑर्गेनिज्म को कुछ ना कुछ चेंजिंग करना पड़ता है, वो अपने टाइम टू टाइम जैसे जैसे जनरेशन बीतते हैं उसी जनरेशन के अकॉर्डिंग चेंजिंग करना पड़ता है, और वो चेंज जो नहीं कर पाएगा वो क्या होगा? वो एक्सट्रीम कंडीशन में वो समाप्त हो जाएगा, वो नहीं चल पाएगा। तो आप लोगों ने अब कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म का मैं फीचर्स आपको बता रहा हूं कि कौन से ऐसे फीचर्स है, एटलीस्ट आप चार फीचर्स लिख करके भेजोगे, चार फीचर्स आज के सेशन में आपका ये होमवर्क होगा कि चार ऐसे ऑर्गेनिज्म के एडेप्टेबल फीचर्स बताइए जिसके कारण वो किसी भी एनवायरमेंट में एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के कारण वो इस फीचर्स के कारण वो सर्वाइव कर जा रहा है। जैसे मैं होमवर्क दे रहा हूं, पहला है फिश, तो मैंने दे दिया फिश का, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये है बर्ड, बर्ड का बताओगे क्या कौन से ऐसे फीचर्स है जिस कारण से बर्ड इस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर जा रहा है ओके। उसके बाद आप बताओगे फ्रॉग,
फ्रॉग में ऐसे कौन से फीचर्स आप देख रहे हो जिसके कारण फ्रॉग हमारे आसपास में सर्वाइव कर जा रहा है। ओके, ह्यूमन बेइंग्स ऐसे हैं क्योंकि इसके पास एक है ओवर इंटेलिजेंसी, जिसके कारण खतरनाक से खतरनाक कंडीशन भी होगा तो उसमें जाके ये सर्वाइव कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, कर जाएगा, बट कुछ ऐसे जो नेचुरल कंडीशन में सर्वाइव करेगा उसमें मैं तीन ऑर्गेनिज्म का दे रहा हूं, एक दे रहा हूं कैमल का। ओके, ऐसे आप होमवर्क बनाओगे कि इन चार चार पॉइंट कम से कम आप लिखोगे इस तरीके से कि ये सर चार पॉइंट है जिसके कारण से ये चेंज होते हैं और ठीक है और ये सर्वाइव कर जाते हैं। अब एक टर्म मैंने कहा कि चेंज करना, अगर चेंज हो रहे हैं तो वो अपने आप के एनवायरमेंट में सर्वाइव कर जाएंगे। हर ऑर्गेनिज्म चेंज होते भी रहते हैं, नहीं चेंज करेंगे वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसकी सारी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसे डायनासोर का नाम आपने सुना होगा, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं क्योंकि वो चेंज कर नहीं किया आपने आपको, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म चेंज करते हैं, है ना। आपने सुना होगा इवोल्यूशन होता है, हिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे, वेन वेयर एंड हाउ और बहुत सारे चैप्टर पढ़े होंगे, पहले कुछ और भी हम लोगों में था, अब उसमें बदलाव आया। लेकिन एक ऐसा चेंजिंग, जैसे मान लीजिए किसी के पापा मम्मी गुवाहाटी आसाम वगैरह में रहते हैं, वहां आप अचानक गए 15-20 दिनों के लिए, आप देखोगे कि अचानक से उस कंडीशन में भी, ठंडी गर्मी बरसात जैसा भी कंडीशन हो, आप उस कंडीशन में भी प्रॉपर थोड़े दिन के बाद ढल जाते हैं। जैसे आपने प्लेस चेंज किया, आपको लगेगा कि सर्दी खांसी बुखार हो गया, लेकिन जब 2-3 दिन बीतेंगे तो आपका क्या होगा, आप उस कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाओगे। ये एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं, इस टर्म को हम लोग कहते हैं एसीमेटाइजेशन, ठीक है, ACCLIMATIZATION, एसीमेटाइजेशन। हालांकि आप इसको देखेंगे तो ये लगेगा कि एक्लीमेटाइजेशन है, आप जेड के जगह पे एस भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्लीमेटाइजेशन कहो एस्कीमेटाइजेशन कहो, एक्चुअल में ये एल साइलेंट है यहाँ पे, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सीमेटाइजेशन क्या कहेंगे, तो द स्मॉल एडजस्टमेंट, क्योंकि आपने गया वहां पे तो क्या कहेंगे, द स्मॉल, कुछ दिनों के लिए आपने स्मॉल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ठीक है, द स्मॉल एडजस्टमेंट, द स्मॉल एडजस्टमेंट ऑफ एनी, द स्मॉल एडजस्टमेंट बाय द बॉडी ऑफ एनी एक्सट्रीम कंडीशन for the short period, okay, is called acclimatization। ये short period के लिए, देखिए डेफिनेशन को थोड़ा सा ये बनाना पड़ा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है डेफिनेशन, द स्मॉल एडजस्टमेंट, ओके, स्मॉल एडजस्टमेंट बाय द बॉडी ऑफ एनी एक्सट्रीम कंडीशन फॉर द शॉर्ट पीरियड, एक शॉर्ट पीरियड के लिए अगर हमारा बॉडी किसी भी एक्सट्रीम एनवायरमेंट में जाते हैं और वहां पे थोड़ा सा चेंजिंग करता है, गए हम उसमें सूट नहीं कर पा रहे हैं और फिर थोड़े दिन के बाद उसमें एडजस्ट कर गए, यही टर्म हमारा कहलाता है क्या, एसीमेटाइजेशन या एक्लिमेटाइजेशन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, यहां तक की पॉइंट्स आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। इस चैप्टर में जो मैंने तीन वीडियो दिया है, आप इस तीनों वीडियो को एक बार फिर से रिकैप करिएगा, तीनों को फिर से रिकैप करिएगा। क्यों रिकैप करिएगा मैं जरा ये भी बता दे रहा हूं, क्योंकि जब आप क्लास 10th में जाओगे तो आपको अपने एनवायरमेंट के बारे में, एक है सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ओके, फॉरेस्ट हो गया, सॉइल, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, ठीक है, फिर इसके बाद सनलाइट,
ये सब चैप्टर अगर मिला देंगे फिर आप देखेंगे कि गार्बेज, गार्बेज होता है ना वेस्ट मटेरियल, गार्बेज ठीक है। इसके बाद गार्बेज में भी दो टर्म होते हैं, एक सॉलिड वेस्ट हो गया एक लिक्विड वेस्ट होगा, तो हम लोग कहेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एक ये भी पढ़ने को मिलता है। ये सारे चैप्टर को अगर हम मिला देंगे तो हमारा एक नया चैप्टर बनता है जिस चैप्टर का नाम है आवर एनवायरमेंट। ओके आवर एनवायरमेंट। तो प्रॉपर इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिएगा, इस चैप्टर में जो तीन वीडियो बने हैं इस चैप्टर के लिए प्रॉपर थर्ड वीडियो है, आप इस तीनों को देखिएगा अच्छे से देखेंगे और आप इसमें नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन आपका क्या क्या बन सकता है जरा मैं एक बार आपको हिंट्स कर दे रहा हूं इस पूरे चैप्टर के लिए। देखिए फर्स्ट मैंने क्या बताया, हैबिटेट बताया, आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज हैबिटेट। दूसरा मैंने एनवायरमेंट बताया, आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज एनवायरमेंट। तीसरा हमने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बताया, आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट, व्हाट इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। फिर आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज एडेप्टेशन, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा राइट द एडेप्टेबल फीचर्स ऑफ फिश। अगला क्वेश्चन बनेगा राइट द एडेप्टेबल फीचर्स ऑफ बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा राइट द एडेप्टेबल फीचर्स ऑफ फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा राइट द एडेप्टेबल फीचर्स ऑफ कैमल। ये क्वेश्चन आपका बनेगा। और उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है एसिमेटाइजेशन, व्हाट इज एसिमेटाइजेशन, ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा। इतने सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो और जब समझ लो क्वेश्चन आप बना लिए दैट मीन्स आंसर आपको पता है, तभी तो आपने क्वेश्चन बनाया। और क्वेश्चन जब आपसे बन गया दैट मीन्स वो टर्म आपको समझ में आ गया। ये कोई रट्टा मारने वाली बातें नहीं है। देखिए अभी इसका डेफिनेशन मुझे भी याद नहीं था बट मैंने आपके ये किस क्या किया गया, एडजस्ट किया गया, इसको एडजस्ट करके आप बना सकते हो। जब टर्म को आप समझ रहे हो तो डेफिनेशन ऑटोमेटिक बन जाएगा, है ना। तो मेन क्या करना है कि टर्म को समझना है, रट्टा मारने पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है, टर्म को समझो और अपने से भी उसको एडजस्टमेंट करके उस डेफिनेशन को बना सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का डेफिनेशन देखने को मिलता है लेकिन उसका मतलब एक ही होता है, मतलब अलग नहीं होते हैं, यानी कि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अलग नहीं होता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया इस तीनों वीडियो को, इसलिए आप एक बार फिर से देखिएगा, नोट्स बनाइए, फिर होमवर्क करके आप भेजिएगा। नेक्स्ट दो तीन वीडियो और इस चैप्टर के लिए बनेंगे, नेक्स्ट आप लोग को आगे भी मिलता भी रहेगा। ओके तब तक आज के लिए इस प्रॉपर इस वीडियो में इतना ही। ओके टेक केयर, गुड बाय।